चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें, जहां भारी बारिश से आई बाढ़ ने नदियों के किनारे बसे गांवों की मुसीबत बढ़ा दी है। जहां एक और बारिश से नदियां उफान पर है, तो वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने खाने और पीने के पानी की विकराल मुसीबत खड़ी है। अधिकारी बाढ़ पीड़ितों के लिए तमाम इंतजाम के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत ग्रामीणों की ही जुबानी सुनिए। कैसे लोग खाना बदोशों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। खुले मैदान में तिरपाल से तंबू लगाते ग्रामीण, नाव से अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते लोग, और खाने के इंतजाम में हर घर से इकट्ठा किया गया राशन, इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात बद से बदतर हो चले हैं और शायद सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। अधिकारी पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बोल रही हैं। कानपुर देहात के जैसलपुर, क्योंटरा, मंगर और महादेव गांव के लोग बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं। यमुना में आई बाढ़ से कई गांव और कस्बे जलमग्न हो गए हैं, सड़कें पानी में समा गए हैं। जिस रास्ते पर पहले पैदल चला करते थे, आज वहां नाव के सहारे रास्ते तय किए जा रहे हैं। जब घर डूब गए कच्चू घर तो भाग गए, लेंटर होते तो वही ऊपर चढ़ जाते, जब कच्चू है तो जमना बाहर और जी। अच्छा, तो कोई अभी प्रशासन का अधिकारी आपके यहाँ आया कि नहीं आया? नहीं आया, और सब पौर साल आए थे, सब कुछ कह जा दे, कुछ नहीं ना कौन। कुछ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था की गई? नहीं मिली, बिस्कुट छोड़ो, अब नहीं मिली, पौर साल बिस्कुट मिली थी बस। कब से आप यहाँ रह रहे, कितने दिन हो गए? अब हम कल आए डेढ़ अलग। ये हम लोग बाढ़ से पीड़ित है। किस गाँव में? मैदेवा गाँव। तो यहाँ क्या प्रशासन अभी तक आया कि नहीं आया? प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया। फिर आप लोग? हम आप ऐसे अपने आप पलायन कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, कोई ना मुझे खाने की व्यवस्था है ना कुछ है, मेरे लिए रास्ता भी नहीं है जो हम गांव से कर सकते हैं। अच्छा, कितना क्या नुकसान है आप लोगों का? हमारा बिल्कुल घर और सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास, जो कुछ गल्ला था वो लेके चले आए, खाने आने की व्यवस्था कुछ भी नहीं। बाढ़ से हर दिन तस्वीरें बदल रही है, हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो विचलित कर रही हैं। कहीं लोग सुविधाओं के साथ सुरक्षित हैं, तो कहीं सिर्फ सुरक्षित होने के दावों के साथ, कहीं पेट भर खाने का जुगाड़ है तो कहीं सिर्फ पेट भरने के आश्वासन। ऐसे में बेघर इंसान हकीकत से रूबरू हो भी रहा है और जमाने को करा भी रहा है। जरूरतें इतनी कि उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता, लेकिन हर जरूरत जरूरी भी है। अधिकारी खाना, दवा, इलाज, रुकने और उचित व्यवस्था किए जाने के ढेर सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रही हैं। ये यमुना नदी का जल स्तर है, वाटर लेवल काफी बढ़ गया है, जो फ्लड लेवल के आसपास पहुंच गया है। फ्लड लेवल हमारे यहाँ कानपुर देहात में 112.9 मीटर है और वर्तमान में 111.78 से ऊपर पानी चल गया है, चला है और बढ़ने की संभावना है। फ्लड लेवल के पास पहुंचने से हमारे कई गांव प्रभावित हुए हैं। इससे यमुना नदी में बाढ़ आने से हमारे यहाँ दो तहसीलों के गांव प्रभावित होते हैं, एक भोगनीपुर तहसील के और दूसरे सिकंदरा के। भोगनीपुर तहसील के लगभग 15-20 गांव प्रभावित होते हैं और सिकंदरा के 3-4 गांव। तो भोगनीपुर तहसील में जो हमारे गांव बसे हैं वो पीलों के ऊपर ज़्यादा बसे हुए हैं, नीचे नहीं है, तो टीलों पर पानी तो नहीं चढ़ पाता, लेकिन टीलों से जो हमारा मुख्य मार्ग है उससे संपर्क मार्ग होता है, तो संपर्क मार्ग में पानी भर गया है जिसमें आवागमन बाधित हो गया है। और जिन लोगों के नीचे जो मिल के अपने नीचे मकान वकान फिर थोड़ा पानी उसमें उनके घर पे गिर गया या चला गया, उन्हें टीलों के ऊपर ले जा करके अथवा जो विद्यालयों में उनको शिफ्ट कर दिया गया। टीलों में जो है उनके उतराने के लिए हमने वहाँ पर पालथीन अथवा तो देखा आपने, खतरे के निशान से ऊपर बहती यमुना ने किस कदर अपना रौद्र रूप दिखाया है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, बाढ़ ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। ग्रामीणों की जिंदगी में आए इस सैलाब ने लोगों को दाने दाने का मोहताज कर दिया है।